ईद उल फितर के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने इमाम इदैन हजरत मौलाना महसूद अहमद कादरी नदवी से मुलाकात कर उनसे मुशाफा किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान इमाम इदैन हजरत मौलाना महसूद अहमद कादरी नदवी ने भी मुख्यमंत्री को ईद की मुबारकबाद देते हुए बिहार की सुख समृद्धि, उन्नति एवं विकास की कामना की। इससे पूर्व इदैन कमेटी के सदर महमूद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुलदस्ता भेंट कर शाफा पेश करते हुए इज्जत अफजाई की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम नमाजियों समेत मुस्लिम भाई बहनों एवं बिहार वासियों के साथ देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से गले मिलकर और हाथ मिलाकर ईद की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने ईद के अवसर पर सभी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पिछले दो वर्ष 2020 और 21 में कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था, जबकि इस पर फिर यहां उन्होंने ईद के मौके पर आकर काफ़ी खुशी हो रही है। रमजान के इस पवित्र महीने में लोग एक माह तक रोजा रखते हैं और पूरा होने के बाद सभी लोग प्रेम के साथ ईद पर्व को मनाते हैं, जो आपस में प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राकेश राठी, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई गणमान्य और पदाधिकारी मौजूद थे। इधर ईद को लेकर भागलपुर समेत पूरे देश में शनिवार की सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। इसको लेकर भागलपुर के नाथनगर स्थित सिटीएस कर्णगढ़ मैदान में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। सिटीएस मैदान में मौलाना अंसारी साहब ने ईद की नमाज अदा कराई, जबकि नमाजियों ने अल्लाह से देश भर में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चों और बड़ों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी और गले मिले। इधर ईद को लेकर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा भी सिटीएस ग्राउंड पहुंचे और नमाजियों के साथ सभी लोगों को ईद की बधाई दी। वहीं ईद की नमाज को लेकर सिटीएस ग्राउंड और आसपास के इलाकों के अलावा कई जगहों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे त्यौहार के दौरान किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो। इधर सिटीएस समेत शहर के विभिन्न इलाकों में सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण बल, सीआईएटी कमांडो और जिला पुलिस बल के अलावा भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया था, जबकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल में ईद का त्यौहार संपन्न हो गया। अमन की अपील करता हूं, ये इंतहाई खुशी का दिन है और ज़रूरत है कि तमाम लोग एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे से मिलकर खुशी का इजहार करें। अल्लाह तबारक व ताला एक दूसरे हर एक के दिलों को मिला दे। इस्लाम नाम ही इसका है। मुसलमान उसे कहते हैं जिसकी जबान से, इसके हाथ से, उनके पैर, हर चीज़ से दूसरा इंसान महफूज रहे। खूबसूरती आप देख रहे हैं कि सभी हिंदू मुसलमान भाई साथ में हैं। आज ईद का नमाज हो रहा है और सबको, पूरे बिहारवासी, भागलपुर वासी और पूरे देशवासी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी हम लोग मिलके, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलके एक साथ बिहार और देश का आगे बढ़ाने का काम करें। और सबको शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे शहर में और पूरे ज़िले में ईद के विधि व्यवस्था के लिए पूरी चौकस व्यवस्था रखी गई है। हमारे पास एसएसबी की टीम है, हमारे पास बीएमपी की टीम है, जिला बल है, हमारे पास सीआईटी है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर जगह पे, हर मस्जिद पे और पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और सुरक्षा की सारे इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए हुए। आज ईद के मौके पर सभी आज सिटीएस ग्राउंड पे 25,000 ज़्यादा मुस्लिम भाई नमाज पढ़े। सारे हमारे टीम, पूजा समिति, शांति समिति, हम दोनों भाई गला मिलके ईद की बधाई दी। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर शनिवार को भागलपुर में भारतीय वन्यजीव संस्थान और सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम शहर के सैंडिस कंपाउंड सह जयप्रकाश उद्यान में आयोजित किया गया, जिसमें वहाँ मौजूद लोगों के बीच पर्यावरण में आ रहे बदलावों पर चर्चा की गई, जबकि इस दौरान लोगों से चर्चा करते हुए अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की बात भी कही गई, जिससे हम इस पृथ्वी को
आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज सके। साथ ही गंगा नदी और इसकी जैव विविधता के अलावा जलीय जीवों के महत्व समेत पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में सभी लोगों ने कदम्ब का पेड़ लगाकर हरित ग्रह को बचाने का संकल्प लिया, जबकि देश और समाज के सभी लोगों एवं छात्र छात्राओं से वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए आगे आने की बात कही गई, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रह सके। वहीं इस दौरान विश्व पृथ्वी दिवस के इस वर्ष के थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट विषय पर चर्चा की गई। मौके पर गंगा प्रहरी, स्पीयर हेड गौरव सिन्हा, अदिति गुप्ता, प्रशांत कुमार, आयुष, अभिषेक समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किलाघाट स्थित जमुनिया नदी में मिट्टी गिराकर उसे भरने का कार्य भू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं मीडिया द्वारा इसकी खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और तातारपुर पुलिस एवं जगदीशपुर प्रखंड के राजस्व पदाधिकारी जमुनिया नदी के किनारे पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। वहीं इसको लेकर राजस्व पदाधिकारी ने बताया कि मिट्टी से जमुनिया नदी को भरने का काम किया जा रहा है, जिसकी छानबीन शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि मामले को लेकर तातारपुर थाने में कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई कर लेने दीजिए। मैंने क्या देखे सर, यहाँ पर मिट्टी भरा जा रहा, हमने देखा है मिट्टी भरा जा रहा है, क्या कार्रवाई होगी सर? देखेंगे, जो उसमें दोषी रहेगा उस पर FIR करवाया जाएगा। FIR करवाया जाएगा, किनके आदेश पर? SDO सर ने भेजा था। SDO सर ने भेजा। अपना नाम? सुजीत कुमार नाम है। जातिगत जनगणना से शिक्षकों को हटाए जाने के अपने बयान पर बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी सफाई दी है। अजीत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं और शिक्षा के स्तर को लगातार बिहार में ऊपर ले जा रहे हैं। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि उनके कहने का गलत अर्थ निकाला गया है, जबकि उनका आशय यह था कि शिक्षकों के साथ राज्य के अन्य विभाग के कर्मचारी और बेरोजगार लोगों को भी इस काम में लगाया जाए। विधायक ने कहा कि ऐसा करने पर जातिगत जनगणना का कार्य जल्द खत्म हो जाएगा, जबकि इससे बेरोजगार युवाओं को भी कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी खुद इंजीनियर है, खुद पढ़े लिखे हैं और शिक्षा के मामले में उनसे कोई बात करना तो ये है, उन्होंने जब ग्रेजुएशन 5 वर्ष में बिहार में हो रहा था, तब 3 वर्षों में ग्रेजुएशन हो रहा है, उन्होंने बहुत सुधार किया है। मेरा जो जाति जनगणना पर मैंने बोला कि शिक्षकों को दूसरे राजकर्मियों को लगाना चाहिए, तो मेरा यह कहने का अर्थ था कि शिक्षकों के साथ साथ और भी राजकर्मियों को लगाया जाए ताकि जल्द से जल्द काम हो। और अभी बच्चों का अभी गर्मी का सीजन में तो अभी नीचे क्लासों का सस्पेंड काम है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा शिक्षकों लोगों से कि सब लोग मिलजुल के, और जो बेरोजगार लोग हैं, ये मेरे कहने का मतलब था, जो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर जाति जनगणना में लगाया जाए तो वो बेहतर होगा और जल्दी होगा। इसलिए सब लोग मिलजुल के शिक्षक और जो बेरोजगार हैं उनको कराने का काम मेरा मतलब था। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। मेरा नाम हृदय मंडल है, मैं ग्राम रसलपुर इकचारी भागलपुर का रहने वाला हूँ। मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, शुगर पेशेंट के साथ से।
और अंग्रेजी दवाई दो चार पाँच, लेकिन उस दवाई से कोई खास असर नहीं हुआ। यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर एक ही राय का मुझे एड्रेस मिला और मैं दवाई एक सप्ताह किया, जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय शुगर लेवल मेरा 251 था। एक सप्ताह दवाई खाने के बाद मेरा शुगर लेवल 153 आ गया और 5 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद मैं अभी मेरा दवाई बंद है और सारा चीज़ खाने के बाद मेरा शुगर लेवल अभी नॉर्मल 103 है। मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मुझे भी तकलीफ कुछ नहीं है। मैं सभी शुगर पेशेंट से अपील करता हूँ कि आप डॉक्टर ए के सहराय साहब का संपर्क करें और अपना लाभ लें इनसे। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद की ओर से शनिवार को कहलगांव के कागजी टोला में किशोर एवं युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन कहलगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, संवेद के निदेशक विक्रम, जल श्रमिक संघ के प्रांतीय संयोजक सह वार्ड पार्षद योगेंद्र सैनी, वार्ड पार्षद अजय कुमार और मध्य विद्यालय अगैया के शिक्षक पवन कुमार एवं केंद्र के प्रशिक्षुओं ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए संवेद के निदेशक विक्रम ने कहा कि तकनीकी दक्षता आज के समय की जरूरत ही नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कदम ताल के बिना शिक्षा और रोजगार में भागीदारी संभव नहीं है। वहीं वार्ड पार्षद योगेंद्र सहनी ने कहा कि आज विकास का मतलब सड़क नाला और शेड का निर्माण ही समझा जाने लगा है, जबकि वास्तविक विकास समाज के बच्चों के समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होना है। इस अवसर पर सुनील सहनी, आलोक रंजन, अशोक सहनी समेत कई वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। मौके पर बादल कुमार, संजना कुमारी, प्रीति प्रिया, सुनील मंडल और वर्षा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भागलपुर आनंद राम रणनिया सरस्वती विद्या मंदिर का 30वां स्थापना दिवस सवार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, भारतीय शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार, विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सचिव डॉक्टर शैलेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष अतुल कुमार ढांडनिया, RSS बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राणा प्रताप सिंह और स्कूल के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से भारत माता पूजन और दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इसके बाद विद्यालय में आनंद राम डंडनिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, जबकि इस दौरान अतुल ढंडनिया समेत कई अतिथियों ने विद्यालय के अब तक के स्वर्णिम सफर एवं विकास क्रम पर चर्चा की। समारोह में क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम ने दाता सदस्यों के परिवार को सम्मानित किया, जबकि प्रदेश प्रदीप कुमार कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि विद्या भारती शिक्षा के साथ संस्कार देती है और विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित कर निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वहीं वार्षिकोत्सव में विद्यालय के छात्रों ने भव्य एवं मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसका सभी अतिथियों, अभिभावक और शिक्षकों के साथ बच्चों ने भी आनंद लिया, जबकि इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजता रहा। मौके पर प्रांत प्रचारक उमेश रंजन, सनौला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे, प्रचारक आशीष कुमार, विभाग प्रमुख विनोद कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।